हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे फाइंड करिएगा कि जो ट्रेन है उसमें जो जनरल कोच है वो कहाँ पड़ता है, वो ट्रेन के आगे पड़ता है या पीछे पड़ता है, या आप जनरल कोच को कैसे फाइंड करिएगा कि यही जनरल कोच है। सो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीली कलर की जो लाइन दिख रही है, ये कोच के ऊपर में, खिड़की के ऊपर में और दरवाजा के बगल में, इससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये जनरल कोच ही है। ठीक है, ये हर जनरल कोच के डब्बों पे ये पीली कलर की लाइन जो है ये दिखती है। सेम ऐसे ही आप, जैसे कि आप जो जनरल बोगी है वो किस साइड लगती है, जैसे कि आपका जो इंजन होता है वो इंजन के, मतलब ठीक इंजन के तरफ में एक या दो कोच लगा रहता है, और ठीक एकदम पीछे जो गार्ड जहाँ होता है वहाँ एक या दो कोच पीछे में जनरल क्लास होता है। इससे क्या होता है कि बीच में जो भीड़ होती है वो भीड़ नहीं होती है। जनरल क्लास में आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ होता है, तो इसी भीड़ के कारण, क्राउड के कारण रेलवे जनरल क्लास को आगे और पीछे में शिफ्ट करके रखा हुआ है ताकि भीड़ ज़्यादा ना इकट्ठा हो। सेम इससे भी आप पहचान सकते। दूसरा नंबर, जनरल क्लास में तीन दरवाजा होता है, आप तीन गेट से आप पता कर सकते हैं कि यही जनरल क्लास है, क्योंकि उसमें भीड़ ज़्यादा होता है इसीलिए उसमें तीन दरवाजा दिया रहता है। जनरल कोच को पहचानना बहुत आसान होता है, बस आप लोगों को दो बातें हमेशा याद रखना होगा। एक होता है क्या, एक इंजन के आगे में होता है जनरल कोच, एक इंजन के पीछे जो कोच होता है, कोच का डब्बा, वहाँ एक या दो जनरल कोच होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, आप एक जनरल कोच का जो डब्बा होता है उसमें तीन दरवाजे होते हैं, उससे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तीन दरवाजा आप देखिएगा, मतलब समझिएगा 100% वो जनरल कोच ही है। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचे।